तो दोस्तों, लॉकडाउन के बीच आखिर सरकार ने प्रवासी मजदूरों को भेजने का फैसला क्यों लिया, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कई व्यापारिक दिग्गजों और बुद्धिजीवियों से मिले फीडबैक के बाद प्रवासियों को उनके घरों में वापस भेजने का निर्णय लिया है। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर, छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी कि वे प्रत्येक राज्य की स्थिति की निगरानी करें और इस संबंध में प्रतिदिन शाम 4 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर रिपोर्ट करें। दोस्तों, पीएम मोदी के निर्देश के बाद से यह काम लगातार चल रहा है और इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही केंद्र सरकार विभिन्न निर्णय ले रही है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों द्वारा एकत्र किए गए फीडबैक में ज़्यादातर मांग प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों वापस भेजने की थी। दोस्तों, फीडबैक के दौरान कई जाने माने लोगों के अलावा कई व्यापारिक दिग्गजों और कई लोगों ने कहा था कि क्वारंटीन की अवधि 14 दिन की है, लेकिन प्रवासी लगभग 28 दिनों से ही फंसे हुए हैं और उनके लिए इस हालात में अपने घरों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस फीडबैक के आधार पर सरकार ने बुधवार को श्रमिकों को उनके गृह राज्य वापस जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस फैसले के बाद मंत्रियों को देश भर में प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 80% लोगों ने भले ही वह विपक्ष से है क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस फैसले की प्रशंसा की। इसके अलावा कई बौद्धिक लोग भी केंद्र के इस फैसले से खुश हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले बुधवार को विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए गृह मंत्रालय MHA ने प्रवासी मजदूर, श्रमिक, छात्र, पर्यटक और अन्य लोगों को अपने घर वापस जाने की अनुमति दी थी। बता दें कि पहले चरण के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए मंत्रियों को जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी है। और दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन किया गया था, जो 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसे 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रही है आज की पूरी खबर जो लॉकडाउन से जुड़ी हुई, जिसमें प्रवासी मजदूरों के हित की बात थी। आखिर सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन दोस्तों सरकार को ये फैसला लेने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, सरकार को यह फैसला 15 दिन पहले ही ले लेना चाहिए था और प्रवासी मजदूर अब तक बहुत ज़्यादा संख्या में अपने अपने घरों तक पहुंच गए होते, लेकिन दोस्तों सरकार इस फैसले को लेने में थोड़ी देरी कर दी। लेकिन दोस्तों, क्या किया जाए, ये कोरोना वायरस किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं देता है। आनन फानन में सरकार ने जो भी किया वो सब आपके भले के लिए ही किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिएगा। और दोस्तों, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, कोरोना से जो नियम बने उसका भरपूर जो है कि फॉलो कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।